हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पिंजरा खूबसूरती में आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। तो अभी तक आपने इसमें ये देखा कि ओमी की माँ मयूरा का रिश्ता लेके वो मयूरा के घर आती है। तो फ्रेंड्स, आगे आप ये देखेंगे कि मयूरा इस रिश्ते से मना कर देती है। जैसे ओमकार की माँ मयूरा को शगुन का दुपट्टा उड़ाने लगती है, मयूरा उस दुपट्टे को फेंक देती है और कहती है, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, आप यहाँ से चली जाइए। तभी ओमकार की माँ मयूरा की परवरिश पर सवाल उठाती है कि ये कैसी परवरिश है, समाज में ऐसे पेश नहीं आना चाहिए। तभी मयूरा के पापा कहते हैं कि जैसे भी परवरिश हो, मैंने अपने बेटी को बहुत अच्छी परवरिश दी है, आप प्लीज़ यहाँ से चली जाइए, क्योंकि मेरी बेटी को आपके बेटे का रिश्ता मंजूर नहीं है। और ये सब ओमकार सुनता रहता है, जो कि शगुन के लिए बैठा होता है। ये सब ओमकार को अच्छा नहीं लगता और ये सब सुनने के बाद, मयूरा का रिश्ता ठुकराने के बाद, ओमकार वहाँ से उठ के चला जाता है। जैसे ही ओमकार अपनी गाड़ी में बैठता है, बाहर खड़े लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं, कहते हैं कि ज़रूर मयूरा ने ओमकार का रिश्ता ठुकरा दिया होगा। तभी ओमकार इतने गुस्से में बाहर आया है और वो ये भी कहते हैं कि ओमकार का रिश्ता कौन ठुकरा सकता है, इतना बड़ा आदमी है, इतना अच्छा आदमी है, इसका इससे तो कोई भी शादी करने को तैयार है। लेकिन उस लड़की को बहुत ज़्यादा घमंड है, यानी कि मयूरा को। लोग ऐसी बातें करते हैं जो सुनकर ओमकार बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और वहाँ से कार लेकर जाने लगता है। जब वो वहाँ से कार लेकर जाने लगता है, तभी ओमकार की माँ आती है और कहती है कि बेटा रुक जा, मैं भी तेरे साथ चलूँगी। ओमकार, बेटा रुक जा, लेकिन ओमकार सुनता नहीं है और वहाँ से चला जाता है। तभी घर पहुंचकर ओमकार अपनी माँ से कहता है कि मैं आज इस दहलीज पर आपके प्यार के खातिर आया हूं और मैं मयूरा के प्यार के खातिर कोई भी दहलीज पार कर सकता हूं। तभी ओमकार का पिता कहता है कि जबरदस्ती का रिश्ता नहीं जोड़ा जाता। लेकिन ओमकार की माँ कहती है कि मेरे बेटे को जो चीज़ पसंद आ गई वो उसे पाकर ही रहेगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आने वाले समय में क्या होता है ये हम देखेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।